नमस्कार मित्रों, मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आज आपको स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत कर्मचारियों के मिसकंडक्ट के लिए किस प्रकार डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर उनको सेवा से पृथक अथवा सेवनमुक्त किया जाता है, इन प्रावधानों के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, स्टैंडिंग ऑर्डर 1963 के क्लॉज 12 में यह व्यवस्था दी गई है कि कौन कौन से मिसकंडक्ट के आधार पर कर्मचारी के विरुद्ध नियोक्ता डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अर्थात अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। कर्मचारी को जो नियोक्ता के अधीन किसी उपक्रम या मैनेजमेंट के अधीन सेवा में किसी भी अपराध के लिए जो मोरल टर्पिट्यूट से संबंधित है तथा किसी विधि न्यायालय द्वारा उसे दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है, उस आधार पर उसे सेवा से पृथक किया जा सकता है। उपक्रम के कारोबार या संपत्ति के संबंध में कोई चोरी कपट या बेईमानी के संबंध में भी उसे सेवा से निकाला जा सकता है। रिश्वत या कोई अवैध पारिश्रमिक या परितोषण लेने के आधार पर उसे सेवा से निकाला जा सकता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी या सुपीरियर ऑफिसर या के युक्तियुक्त या मनःपूर्वक अर्थात विलफुल डिसोबीडियंस उसको उसके द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करता है जिसका अन्य कर्मचारियों के कार्य या मजदूरी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस आधार पर भी उसे सेवा से पृथक किया जा सकता है। उपक्रम के परिसर के भीतर कोई अगर जुआ खेलता हुआ पाया जाता है तो इस आधार पर भी उसे सेवा से पृथक किया जा सकता है। कार्य के घंटों के दौरान यदि वह कर्मचारी सोता हुआ पाया जाता है या मदोन्मत या बलवापूर्वक या उच्च श्रृंखल व्यवहार करता है या ऐसा आचरण जो जीवन या क्षेत्र में संकट उत्पन्न कर देता है, उस आधार पर भी उसे सेवा से डिसिप्लिन अनुशासन का उच्छेदक कोई कार्य करने के आधार पर सेवा से निकाला जा सकता है। उपक्रम के परिसर के भीतर ऐसे प्रयोजन के लिए जो विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं है, यदि कोई ऐसा कार्य करता है और प्रबंधक की मंजूरी के बिना ऐसी व्यवस्था पाई जाती है तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकता है। कि कोई कर्मचारी हड़ताल प्रारंभ करता है, हड़ताल पर जाता है अथवा सम्मिलित होता है तो इस आधार पर भी उसकी सेवाएं पृथक की जा सकती हैं। अन्य व्यक्तियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है या विलफुल अर्थात कार्यपालन में मनापूर्वक ढील देता है या अन्य लोगों को उकसाता है या किसी संपत्ति को विलफुली नुकसान पहुँचाता है, जानबूझकर नुकसान पहुँचाता है तो उसकी सेवाएँ पृथक की जा सकती हैं। लगातार अगर 10 दिन से अधिक सेवा से अनाधिकृत बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहता है तो भी उसे डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के द्वारा सेवा से पृथक किया जा सकता है। अस्पष्ट या कूटरचित अर्थात फोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करता है तो इस आधार पर भी उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। निम्न ऐसे कारण बतलाए गए हैं जिनमें कार्य या कार्यलोप छोटे अर्थात माइनर मिसकंडक्ट माने जाएंगे। विलंब से यदि कर्मचारी रोज उपस्थित होता है अथवा अवकाश के बिना पर्याप्त हेतु के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है जो कि गंभीर अवचार नहीं है तो उसकी सेवाएं माइनर मिसकंडक्ट मानी जाएंगी। पर्याप्त कारण बतलाए बिना उसी प्रकार के काम को करने से वो इनकार करता है या कार्य के घंटों के दौरान सोता हुआ पाया जाता है या सुरक्षितता अर्थात सुरक्षा के उपकरण बाढ़ आदि या सुरक्षितता संबंधी अन्य युक्तियों के संबंध में अप्राधिकृत अनुपस्थित रहता है तो भी उसकी सेवाएं माइनर मिसकंडक्ट के रूप में अनुशासनहीनता मानते हुए उसको दंड दिया जाएगा। माइनर मिसकंडक्ट के लिए दो तरह के दंड हैं, या तो परिनिंदा अर्थात सेंस्योर अथवा उसको फाइन या जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जबकि मेजर मिसकंडक्ट के लिए निम्नलिखित पनिशमेंट्स बतलाए गए हैं। उसको सेंसर हो सकती है, उस पर फाइन किया जा सकता है। किसी भी अवसर पर 4 दिन से अधिक कालावधि के लिए उसका सस्पेंशन किया जा सकता है। 1 वर्ष की कालावधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, उसकी पदावनति की जा सकती है अथवा पदच्युति यानी रिमूवल भी किया जा सकता है। दंड का अधिनिर्णय करने के पूर्व अवचार की गंभीरता, कर्मचारी का पूर्व इतिहास, उसका अभिलेख तथा अन्य परिशमनकारी या गुरुत्वकारी बनाने वाली परिस्थितियों पर भी मैनेजमेंट विचार करेगा।
इसमें प्रावधान यह है कि कोई भी दंड अधिरोपित करने के पूर्व नेचुरल जस्टिस के तहत कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इसमें कर्मचारी को एक आरोप पत्र दिया जाएगा, एक विभागीय जांच जैसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें जांच अधिकारी होगा, आरोपी का उपचार और उसके उपस्थित होने के लिए तारीख निश्चित होगी और स्थान बतलाया जाएगा जहां वह जाएगा। अपना प्रतिनिधि उपस्थित रख सकता है, उसे बचाव का अवसर समुचित दिया जाएगा और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए 72 घंटे का अवसर दिया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को यदि वह चाहे तो अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रखने के लिए अनुमति प्रतिरक्षा के लिए दी जा सकती है, उन दशाओं के सिवाय जहां उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप वह स्वीकार कर लेता है। यदि आरोप स्वीकार कर लेता है तो इस पर साक्ष्य अवलंबित करने की विशेष आवश्यकता नहीं रहती है। प्रतिरक्षा करने के लिए उसको समुचित अवसर ऑडी अल्टरम पल्टम के प्रिंसिपल के तहत दिया जाएगा। साक्ष्य का सार जांच अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा और उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। इस प्रकार कुल मिलाकर जांच में आए हुए प्रोसिक्यूशन की एविडेंस तथा खंडन जिसमें कर्मचारी अपने बचाव में स्थिति बदलाएगा उस आधार पर जांच निष्कर्ष लिखे जाएंगे। प्रबंधक लिपिकीय तकनीकी या पर्यवेक्षी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कोई मेजर मिसकंडक्ट की जांच लंबित रहने तक 3 मास की अवधि के लिए सस्पेंड कर सकता है। निलंबन आदेश लिखित में होगा और उसकी सूचना कर्मचारी को संसूचित अर्थात सूचना दी जाएगी। इसके निलंबन की कालावधि के लिए मजदूरी की उसे बाद पूरी रकम दे होगी। यदि जांच पर आदेश की पुष्टि हो जाती है और निलंबन की अवधि कम कर दी जाती है तो कर्मचारी निलंबन की कालावधि के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित माना जाएगा और ऐसी कालावधि के लिए किसी भी मजदूरी का वह हकदार नहीं होगा। किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध मुख्य उपचार के लिए 1 वर्ष के अंदर जांच की जाएगी तथा माइनर मिसकंडक्ट के लिए 6 माह पश्चात कार्रवाई करने के लिए एम्प्लॉयर सक्षम नहीं होगा। जहां तक अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रश्न है, मेरे द्वारा मेजर तथा माइनर मिसकंडक्ट जैसे कि अभी आपको बतलाए गए उनमें से किसी भी प्रकार का मिसकंडक्ट कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक जांच संस्थगित की जाएगी। विभागीय जांच में जांच अधिकारी होगा, उसे अपना प्रतिनिधि बचाव रखने का दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और उस जांच में यदि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो प्रीपोंडेरेंस ऑफ एविडेंस के आधार पर उसके जांच में यदि जांच अधिकारी या जांच के जांच निष्कर्ष ऐसे आते हैं कि इसके विरुद्ध संपूर्ण आरोप प्रमाणित हैं तो यह अनुशासनात्मक अधिकारी का दायित्व होगा कि वह प्रकरण का पूर्ण अभिलेख देखने के पश्चात उसे किस प्रकार का दंड प्रकरण की परिस्थिति तथा आरोपों की गंभीरता को देखते हुए देता है। यदि कर्मचारी को मेजर पेनल्टी दी जाती है तो उक्त क्लॉज 12 में दर्शाई गई व्यवस्था के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। यदि माइनर पेनल्टी दी जाती है तो माइनर पेनल्टी के आधार पर उसको दंड दिया जाएगा। छोटे अवचार के लिए परिनिंदा या जुर्माना जैसी सजा हो सकती है, जबकि मेजर या मुख्य अवचार के लिए परिनिंदा, जुर्माना या 4 दिन से अधिक अवधि के लिए सस्पेंशन, 1 वर्ष की कालावधि के लिए उसका इंक्रीमेंट विदल्ट किया जा सकता है, पदावनति की जा सकती है या पदच्युति की जा सकती है। अब जहां तक इन प्रकरणों में स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत मिसकंडक्ट का दोषी पाए जाने के आधार पर कर्मचारी को या उपचार उपलब्ध है कि वो इसके विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकता है और उसके विरुद्ध की गई गृह जांच वैध है अथवा अवैध है, सबसे पहले श्रम न्यायालय इस बिंदु पर विचार करता है तथा उसके द्वारा किए गए मिसकंडक्ट को देखते हुए यदि गृह जांच अवैध पाई जाती है तो एम्प्लॉयर को न्यायालय के समक्ष कर्मचारी के दुराचरण को प्रमाणित करने का सर्वप्रथम अवसर दिया जाता है। इसमें मुख्य प्रिंसिपल यह रहता है कि प्रोसिक्यूशन अर्थात जो मैनेजमेंट है उस पर यह बर्डन रहता है कि वह उसके दुराचरण को न्यायालय के समक्ष गवाहों द्वारा, लिखित और मौखिक साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित करेगा तथा खंडन में बचाव साक्ष्य के दौरान कर्मचारी को अपना बचाव उपलब्ध कराने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यदि उसके दंडादेश में हार्श एंड पनिशमेंट अगर उसका हार्श और प्रोपोर्शनेट उस मिसकंडक्ट के यदि नहीं पाया जाता है तो न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसे दिए गए दंडादेश में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि कर्मचारी को दिए गए
आरोप पत्र में वर्णित अपचारों अर्थात मिसकंडक्ट के आधार पर वह दुराचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे दिए गए पदच्युति अथवा पदावनति अथवा सेवा पृथक किए गए दंडादेश को न्यायालय उचित भी ठहरा सकता है। यदि उसके दंडादेश को उचित ठहराया जाता है तो कर्मचारी को कोई सहायता न्यायालय द्वारा नहीं दिलाई जाती है। यदि दंडादेश को हार्श और डिस्प्रोपोर्शनेट पाया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसके दंडादेश को अवैध और अनुचित घोषित करते हुए कर्मचारी को बैक वेजेस सहित सेवा में पुनर्स्थापित किए जाने की सहायता दिलाई जाती है। धन्यवाद।